आप जो बोल रहे हैं पंकज भाई, सवाल पूछिए। अखिलेश जी, आपको मैं नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ थोड़ा ले जाना चाहता हूँ। क्या आप, ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव, इन तीनों ने मिलकर ये तय कर लिया है कि आपको बीजेपी से भी लड़ना है और कांग्रेस से भी लड़ना है? देखिए, क्योंकि ये दल वो हैं जो दोनों दल से लड़कर के आगे आए हैं, तो इसीलिए हमने कहा कि कांग्रेस नेशनल पार्टी है, वो अपनी भूमिका तय करे। अगर आप कांग्रेस ये कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाए, या वो उनकी कोशिश होगी कि दूसरा दल हार जाए, तो इससे नेशनल लेवल पे कौन सा एडवांटेज होने जा रहा है? आपको मिल बैठ के ऐसा क्यों नहीं तय करते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और सारे विपक्ष, जो पार्टी विपक्ष से जहां मजबूत है उस पार्टी का मतलब एक ही पार्टी अपोजिशन से बीजेपी के खिलाफ लड़े पूरे देश में, ऐसा क्यों नहीं आप कर सकते हैं? तो ये तो नेशनल क्या है, ये पहले आप वाली क्यों चल रही है लखनऊ की तहजीब? नहीं नहीं, ये नेशनल पार्टी को सोचना होगा, और जिसको कांग्रेस पार्टी को अगर ये सोचना है तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। ये आप भी तो सोच सकते हैं। नहीं, हमने तो अलायंस भी किया, हम तो साथ भी रहे हैं, लेकिन नेशनल पार्टी अपने आप को नेशनल पार्टी मान दे। आपने स्टेटमेंट नहीं सुना कि समाजवादी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं है? अरे, हमने आपका प्राइम मिनिस्टर बचा के रखा, हमने आपके लिए न्यूक्लियर डील कराई, और आप नेशनल पार्टी नहीं माने? नेशनल पार्टी किस रूप में आप मान रहे हैं? अखिलेश जी, 2024 की अगर बात की जाए, तीसरे मोर्चे का अगर कहा जाए मास्टरमाइंड, तो हम किसे बोलें? अखिलेश यादव जी को, ममता बनर्जी को, कौन होगा इसका मास्टरमाइंड? नहीं, कोई मास्टरमाइंड नहीं होगा, सब साथ मिलकर के काम करेंगे। नहीं, लेकिन इसका जो ग्लू है वो कौन तैयार कर रहा है? अखिलेश यादव जी कर रहे हैं या ममता बनर्जी कर रही हैं? अगर कोई ऐसा मास्टरमाइंड हो जो एक ना होने दो, उससे बच लेंगे हम लोग, तो हमारा सबका साथ हो जाएगा। उससे क्यों घबरा? अपने रोल से आपके पिताजी ने रोल इम्प्रूव किया, उन्हें दो प्रेसिडेंट बनवाए, उन्होंने दो प्राइम मिनिस्टर बनवाए, उन्हें न्यूक्लियर डील पास कर आई, इतने बड़े रोल नेशनल लेवल पे नेताजी ने प्ले किए। अखिलेश यादव डर रहे हैं इस बात से कहने के लिए मैं ये रोल प्ले करूंगा, क्या कारण है? आपको किससे डर लगता है, क्यों नहीं बनते नेता? समय बहुत बलवान होता है, हर चीज समय पर होती है। ठीक है, अभी आप अपने आप को राष्ट्रीय नेता नहीं मानते? वो हमारे दल को राष्ट्रीय नहीं मानते। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो माने ना माने, आप मानते कि नहीं? नहीं, मैं राष्ट्रीय नेता मानू नहीं मानू सवाल वो नहीं है, लेकिन जिस विचारधारा को मैं लेके आगे चल रहा हूँ, जो काम हमें मिला यूपी में, वो हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हम देश में सब जगह जीत भी जाएं और बीजेपी यूपी में जीत जाए पूरा। नेताजी की जिम्मेदारी मिली थी, उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, प्रेसिडेंट बनवाया, उनके बिना प्रणब मुखर्जी बन नहीं सकते, सबको पता है ये बात। उनके बिना कलाम साहब नहीं बन सकते थे, उन्होंने बनवाए, तो उनके पास यूपी की जिम्मेदारी थी, पर राष्ट्र की जिम्मेदारी भी समझते थे अपनी जिम्मेदारी। वो मैं समझता हूँ उस समय आएगा, उस समय भूमिका निभाएंगे। आप जो बोल रहे हैं अखिलेश जी, यहाँ पर जितने भी हमारे ऑडियंस बैठी है, मैं चाहूँगा पहले जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि अब मैं आपके सामने एक बड़ा ही रोचक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चनेयर लेके आया हूँ। आप जरा उस तरफ देखते रहिएगा अखिलेश जी, जरा जोरदार तालियां जरूर हो प्लीज। ये बेसिकली है रैपिड फायर राउंड, अखिलेश जी, ये है रैपिड फायर राउंड। मेरा आपसे एक निवेदन है, पहले तो हर सवाल पे ताली और हर जवाब पे ताली जरूर होनी चाहिए। निवेदन ये है मेरा आपसे, प्लीज इसमें चूज जरूर करिएगा, भले ही पॉलिटिकली ना करें लेकिन पर्सनली करिएगा। मेरा पहला सवाल रैपिड फायर राउंड का, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। गठबंधन का प्ले करिए, गठबंधन का बेहतर साथी कौन, मायावती या राहुल गांधी? अखिलेश जी, देखिए इसमें थोड़ा मैं लंबा कहता हूं, मायावती जी जीरो थी और जीरो से मैंने 10 पहुंचाया उन्हें, और राहुल रायवली और अमेठी में समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग और मदद थी, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये दोनों लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद करें। आपने बोला ये दोनों लोग मिलकर मदद करें इस रैपिड फायर राउंड में। एक छोटा सा है, मैं आपसे डिटेल पूछ लूंगा, लेकिन पहले आप अपना चॉइस बताएं। दोनों मिलकर के हमारी मदद करें, दोनों मिलकर मदद करें। ओके ओके, अगला जोरदार तालियों के साथ जरा प्ले ऑन करिए। हमारा सवाल क्या है, बेहतर प्रशासक कौन, अखिलेश जी, नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ? दोनों खराब हैं, लेकिन कोई तो बेहतर रखता होगा। नहीं, दोनों खराब हैं। ओके, अगला, तालियां थोड़ी कम पड़ जानी है। 2024 में विपक्ष का पीएम उम्मीदवार कौन, जोरदार तालियों, पहले
अखिलेश यादव जी, राहुल जी, ममता जी या केसीआर राव जी? अखिलेश जी बताइए। देखिए हमारे पास चॉइस कितनी है सोचिए, अभी तो और भी हैं। एक बताइए आप मुझे। चार और हैं अभी। एक बताइए आप मुझे। नहीं अभी मैं एक नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सोचिए हम लोग पे चॉइस कितनी है। आपकी पसंद पसंद कौन है? आपकी पसंद पसंद कौन है? ये सवाल का जवाब ही मिल ही नहीं सकता। अरे कोई तो पसंद होगा आपको सर, आप पहले खुद पे नंबर वन पे खुद ही आप। बहुत झगड़ा है यहाँ पर और अभी क्योंकि अभी अच्छा। सभी को जीत करके आना है और जब तक हम जीत के नहीं आएंगे तो हम कैसे बोल दें, तो बीजेपी न जाने क्या नैरेटिव तैयार कर दे। लेकिन आप जब बोल रहे हैं कि बहुत झगड़ा है तो आज पहला फोटो तो आपका लगा है। तो मैं तो गिनती में नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ उसमें, रेस में नहीं हूँ। ठीक है ओके। अगला बहुत ट्रिकी और बहुत टफ सवाल है अखिलेश जी, जरा प्ले ऑन करिए इसको यहाँ पर। ये है बीजेपी की बी टीम कौन है, असदुद्दीन ओवैसी या अरविंद केजरीवाल? अखिलेश जी एक। मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस पे एक एक जवाब, क्योंकि कभी कभी ये लोग भी मतलब इन दो लीडर के नहीं लेकिन और लीडर कहते हैं कि मैं बी टीम हूं बीजेपी का। वैसे इनमें से कौन ज्यादा प्रोमिनेंट है? मैं दोनों ही नहीं है इनको। आप दोनों बोलने वाले थे, आपकी जुबान पर था। देखिए ये सवाल बड़ा टिपिकल है लेकिन मैं दोनों से कहूंगा कि बीजेपी का नुकसान होना चाहिए, देश से बीजेपी हटनी चाहिए, ये रास्ता अपनाना चाहिए। दूसरा सवाल, समाज के लिए आदर्श क्या है, मनुस्मृति या रामचरितमानस? अखिलेश जी देखिए क्योंकि बच्चे ताली बजा रहे हैं और ये पूरा नेशनल लेवल पे जा रहा है, हर जगह जाएगा, जो बात मैं कहूँगा वो डॉक्यूमेंटेड होगी। मैं सोशलिस्ट हूँ और मैं हर अच्छी चीज़ को मानता हूँ, हर अच्छी चीज़ को, जिसमें कोई भी खराब होगी। इससे पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस गैलीलियो की कहानी बताई कि गैलीलियो ने अपनी रिसर्च के बाद ये कहा कि जो सूरज है उसका चक्कर धरती लगाती है, लेकिन उस समय चर्च का ये मानना था कि धरती का चक्कर सूर्य लगाता है, लेकिन गैलीलियो ठीक था, उसको सजा दी गई और सजा में उसको जान जानी पड़ी, जान चली गई उसकी। लेकिन वही चर्च के लोग 400 साल के बाद उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। आपने दोनों बातें समाज के लिए आदर्श किया, अगर इसमें कोई गलती है तो गलती को स्वीकार करना चाहिए, अगर गलती को स्वीकार करते हैं तो जवाब मेरा होगा। ठीक है ओके। अच्छा अगले सवाल का जवाब आपके पास जरूर होगा, पहले जोरदार तालियां, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको लगता है जवाब देंगे अखिलेश जी अगले सवाल का? हाँ या ना? आवाज ही नहीं आ रही, हाँ या ना? अगला सवाल है, देश का भूमि पुत्र कौन, सबसे बड़ा भूमि पुत्र कौन, मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी या चौधरी चरण सिंह जी? अखिलेश जी नहीं, मैं क्योंकि तीनों लीडर्स के बारे में अच्छी तरह पढ़ा हूँ, जाना हूँ, मैं समझता हूँ तीनों हैं, तीनों नेता हैं। आप थोड़ा सा और स्ट्रेट आंसर मुझे अगले सवाल में जरूर दीजिएगा और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, देखिए जरा, किसे मनाना ज्यादा मुश्किल है, शिवपाल यादव या आजम खान? एक नाम बता दीजिए। ये आपने थोड़ा लेट पूछा, मैं दोनों को मना चुका हूं। ज्यादा मेहनत किस में लगी? नहीं दोनों को मना लिया, अब कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। नहीं वैसे इसमें सबसे ज्यादा मेहनत किस पे लगी? नहीं वो कोई बात नहीं, अब तो मना लिया। अच्छा अखिलेश जी ये जो आपने अभी कहा, आप मेरा आपसे एक सवाल यहाँ पर यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात की जाए तो उनकी दूसरी सरकार के एक साल जो हैं वो पूरे हो गए, सबसे ज्यादा दिन तक लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। अखिलेश जी योगी आदित्यनाथ के कौन कौन से काम से आप सबसे ज्यादा खुश हैं? विरोध हम देखते रहते हैं हमेशा। मैं जिस काम से खुश हूं, मैंने अभी अभी देखा वो काम, सड़क पर गाय मां जा रही थी, सांड थे,
तो मैं आपके पास समय पे नहीं पहुंच पाया, बड़ा आराम से आना पड़ा मुझे। अभी अभी और जो एक साल की आप बात कर रहे हैं, देखिए कितने होशियारी से सरकार एक साल के बारे में पूछना चाहती है। आप सरकार में 2017 में आए थे, 17 से लेकर के अभी तक आपने 7 बजट पेश किए हैं, और दिल्ली की सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपने 10 बजट पेश किए हैं, 10 और 17 बजट, आपको हिसाब किताब 17 बजट का देना चाहिए। आप एक साल की उपलब्धि मत पूछिए अखिलेश जी। लेकिन एक बात बताइए, कुछ तो ऐसा होगा जिसे आपने बहुत सारे काम किए, विपक्ष ने उस जमाने में आपकी तारीफ भी की, कुछ तो ऐसा होगा जो आपको पसंद आया गौ माता के अलावा? देखिए मैं हालांकि जिस जगह में बैठा हूँ उस संस्था के खिलाफ या चैनल के खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे एक लीडर का स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा, हालांकि वो पब्लिक स्टेटमेंट था, हो सकता वो इस स्टेटमेंट को यहाँ कैसे लिया जाए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि देखो हवाई जहाज भेज दिए इन्होंने, रेलवे भेज दिया, हमारी जितनी भी प्रॉफिटेबल कंपनीज थी, सरकारी संस्थान थे, वो बेच दिए, और भी जो चीज़ें दिखेंगी वो बेच दी हैं, लेकिन एक चीज़ खरीद ली उन्होंने सबको दिखाने के लिए, अखबार और मीडिया। अच्छा तो ये मेरा नहीं है, ठीक है, ये किसी ने कहा, मैं आपको उनका मैं कोट कर रहा हूँ, ठीक है कोई बात, मैं आपको रोकूंगा नहीं, और हम बिलीव भी इसमें करते हैं कि जो आपकी बात है वो एग्जैक्टली वैसी जानते हैं। नहीं, वो शब्द गलत हो सकता है, कोई बात नहीं सर, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आप सड़क पर गाय देख रहे हैं, आप सड़क पर गाय देख रहे हैं, लेकिन योगी जी कहते हैं कि हमारे प्रदेश में 33 लाख करोड़ का निवेश आने वाला है। 2017 से पहले इस राज्य में निवेश करने से लोग डरते थे। मैं विपक्ष के होने के नाते और सदन में मैंने भी इस बात को कहा, अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए हमसे कुछ सहयोग चाहें तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और आज जो आप दिखा रहे हैं, आप दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक बड़े बड़े होर्डिंग्स पे आप देख रहे हैं कि यूपी जो स्टेट है वो एक्सप्रेसवे स्टेट है, तो आखिरकार एक्सप्रेसवे किसने दिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जब आप बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसने दिया? जो आप कह रहे हैं कि हम बिजली 24 घंटे उपलब्ध करा रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में किसने काम किया? तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि पुरानी सरकारों ने भी काम किया। जो आप दिखा सक रहे हो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ला रहे हो। ओके, अखिलेश जी मेरे एडिटर्स यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ दिन पहले विधानसभा में हमने एक चीज देखी, और इसके लिए मैं जरा वहां पर जाऊंगा। योगी आदित्यनाथ जी ने आपकी पार्टी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि माफियाओं को वो मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने क्या कहा था एक बार मैं आपको सुनाना चाहता हूं, ये जरा इसको प्ले ऑन करिए यहां पर। इसे हम सरकार इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अब ये इन्होंने क्या कहा, मैं चाहूंगा नेक्स्ट टाइम थोड़ा ऑडियो थोड़ा लाउड रखिएगा। इन्होंने कहा कि मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन आपने कहा कि वो सिर्फ फिल्मी डायलॉग बाजी करते हैं। नहीं, अगर आप मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं तो मैंने कई बार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस इस बात की मांग की है कि आप टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करिए और टॉप 100 की सूची जारी करिए। आखिरकार सरकार को कौन रोक रहा है जो टॉप 10 की माफियाओं की सूची नहीं जारी कर रहे हैं, और ये मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। आप सोचिए, अभी कुछ दिन पहले प्रोग्राम था जिसके ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे, इनके बगल में बैठा था क्या? माफिया बगल में नहीं बैठा था? कभी मुख्यमंत्री जेल में जाकर के माफियाओं से नहीं मिले होंगे? ये मुख्यमंत्री आप पता करिए, क्या जेल में जाकर के माफियाओं से मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है? अच्छा, लेकिन और फिर किसने रोका है आपको सूची ना जारी करने के लिए? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अभी जो उमेश पाल का जो मामला हुआ उसमें बीजेपी ने सीधे सीधे कहा कि 2 आरोपी एनकाउंटर में मार दिए, 6 आरोपी गिरफ्तार हुए, जगह जगह बुलडोजर चला जाए, अवैध हथियार बरामद हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जो कहा वो किया। देखिए अभी आपने मुख्यमंत्री जी की बात सुना दी, लेकिन मैं क्या कह रहा था वो आवाज नहीं आई, आवाज तो मेरी नहीं सुनी गई ना, आप अब बता दीजिए। तो आवाज केवल आपने कहा मिट्टी में मिला दे, मैंने कहा रोकता कौन है मिट्टी में मिलाने से, आपको कौन रोकता है आपको, आप मिलाओ मिट्टी में। ओके, और फिर
हम तो ये कहते हैं सबको मिलाओ, क्यों नहीं मिलाते सबको आप? आप बताओ, माफिया क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट, डीएम एसपी इंतजाम कर रहे थे कि बॉलिंग किधर से होनी है, पिच किधर है।